देखिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत से रिक्वेस्ट मुझे आ रहे हैं, बहुत से नेटिव्स जो है मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। आज हम बात करेंगे कि लव मैरिजेस के क्या योग हैं, होता क्या है। देखिए मैं बताता हूँ कि भारत में जो विवाह है वो दो तरह से होता है, या तो अरेंज मैरिज होती है या लव मैरिज होती है। अब अरेंज मैरिज में मान लीजिए कि मांगलिक और नॉन मांगलिक की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें कोई इशू नहीं होता है, आप रिश्ता छोड़ देते हैं, आपके पेरेंट्स कोई और रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में किसी के साथ इमोशंस अटैच हो जाते हैं, आप उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं और फिर एकदम से आपको ये पता लगता है कि अरे ये मांगलिक और नॉन मांगलिक की प्रॉब्लम आ गई है। कुछ पंडित ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों में से एक की मृत्यु हो जाए, हो सकता है कि बच्चा होने में प्रॉब्लम आए, हो सकता है कि लाइफ में बहुत बड़े दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़े, और कुछ कहते हैं कि डिवोर्स हो सकता है। इस तरह का विश्लेषण आपके सामने आता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप इंसान को मिले ही क्यों, अगर रिश्ता नहीं चलना था तो मुझे लगता है कि जुड़ना ही नहीं चाहिए था। इस तरह के ख्याल आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं। और फिर लोग मेरे पास आते हैं, हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हम ये देखते हैं कि इसका मंगल दोष कैंसिल हो रहा है, और फिर मैं कह देता हूँ कि आप विवाह कर सकते हैं। आप घर जाते हैं, माँ बाप को बताते हैं कि इस प्रकार हमने कंसल्टेशन ली थी और ये कैसे हैं, इन्होंने बताया कि जो है हम विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो आपके मन में एक डर, एक वहम जो किसी और पंडित ने या दो चार पंडित या एस्ट्रोलॉजर्स ने डाल रखा है, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कि आपके मन में ये चीज़ रहती है कि हम किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास ना करें, तो ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा जो है लाइफ में बन जाता है। इसका जवाब मैं आज देने वाला हूँ आपको।